हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया आर्क वेल्डिंग क्या होती है, इस तरह हम डिस्कस करेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होती है। इस आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हम जल्दी ग्रेफाइट या फिर कार्बन, हम कह सकते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करने से क्या होता है कि जो हमारी ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर, ये भी कह सकते हैं कंडक्टर होता है। ओके, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट को क्या करता है, इसमें मोर डेंसिटी होती है करंट की। ओके, जिससे हमारा मेटल जो होता है ये कह सकते हैं मोर डेंसिटी होती है इसकी, जिससे हमारा करंट क्या होता है मोर प्रोड्यूस होता है, और जिससे हमारा मेटल जिसमें हमें ज्वाइंट करना होता है वो इजिली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। हमारा जो जॉब पीस होता है वो इजिली मेल्ट हो जाता है। इसमें हम फिलर रॉड का भी यूज कर सकते हैं या फिर ना करें, कोई भी ऐसी जरूरत नहीं होती। और इसमें दोस्तों हमारी जो शील्डिंग गैस होती है, फॉर शील्डिंग के लिए कोई भी गैस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है और हमारा CO2 इसमें पर्याप्त मात्रा में शील्डिंग के लिए हमारे मतलब मिल जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका जनरल व्यू देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये हमारा क्या तो वर्क पीस होता है, ये वर्क पीस है, और एक हमारी होती है पावर सप्लाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क पीस है, ये मेरा क्या है, पावर सप्लाई है। ओके, ये हमारा ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है। जो हमारा वर्क पीस होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो हमारा कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, ये मैंने हमारा कार्बन का इलेक्ट्रोड है, मैंने फिगर थोड़ा और डार्क जगह नहीं दोस्तों, ये हमारा कार्बन का इलेक्ट्रोड है जो क्या करता है, आर्क हमारा कंटिन्यू प्रोड्यूस करता है। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। अगर हम फिलर रॉड का भी यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं जो हमारी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोड होती है वो कोटेड भी हो सकती है या फिर नॉन कोटेड भी हो सकती है, और ये हमारा हो गया फिलर रॉड। तो इस तरीके से वर्क करता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। इसके कुछ फायदे यही हैं कि जो उसमें फिलर रॉड का दोस्तों यूज नहीं होता, और हमारा क्या है, कोई भी हमारे जो शील्डिंग गैसें होती हैं वो रिक्वायर नहीं होती हैं, और हमारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही इजीली प्रोसेस है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।